लो लो ना, एक एक ले लेना, सब है ना। एक एक ले लेना है ना। लो जय माता दी। साथियों, एक बार फिर से आपका नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं जोबनेर माता जी के दर्शन करने के लिए आया था और आपको भी दर्शन कराता हूँ। देखिए, वो माता जी का मंदिर है और माता जी के मंदिर पर जाने के लिए हमें नीचे से लगभग 450 से 500 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ती हैं और माता जी के मंदिर हम पहुँच जाते हैं। इसी बात पे सब बोलेंगे जय माता दी। बोलो ज्वाला माता। आपका शुभ नाम क्या? कैलाश शर्मा है। कैलाश, ये है कि आपने ठाकुर साहब है। अच्छा, ठाकरोजी सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी। अच्छा, कॉलेज बनाया। उनका उनका निवास यही है? हाँ, यही है। अब यही पे आप जाके बात कर सकते हो। अच्छा, आप प्रेम से बात करेंगे आपसे। अच्छा, बैठाएंगे आपको। अंदर जाके आप फोटो वोटो ले लो, कोई भी मना नहीं है। तो माता जी का मंदिर उधर है क्या? माता जी का मंदिर। अच्छा, वो मंदिर है। वो किला इन्हीं का है। ठाकुर साहब का किला। क्या नाम है ठाकुर साहब? ठाकुर साहब तो अजीत सिंह, पहले जो नरेंद्र सिंह जी थे। अच्छा। उनके लड़के भी अजीत सिंह जी, अजीत सिंह, फिर उनके लड़के, फिर संग्राम सिंह जी। अभी संग्राम सिंह जी खत्म हो गए। चलो और सबसे बड़े ठाकुर साहब ये थे, आई जी इनके जो दादा थे, ये आई जी। अच्छा, सपने में आई संग्राम। चलो साहब, धन्यवाद आपका। राम राम माता जी। ले एक एक ले लो। एक सौ बीस। 20 दूं खुले प्रसाद हमने ले लिया यहाँ से। ये है जोबनेर का मार्केट दोस्तों। आज संडे होने की वजह से बंद है। हम माता जी के दर्शन के लिए आए थे और माता जी का गेट कुछ ऐसा दिखता है, देखो, ज्वाला पुल बोलते हैं इसको। वो ऊपर माता जी का मंदिर। जयराम जी की बात। कहाँ से आया? अहमदाबाद से। आपकी कुल देवी बहुत दूर से? हर बार आते। शुभ नाम क्या आपका? गोपाल। गोपाल जी प्रॉपर अहमदाबाद ही रहते? नाम ऐसे गीजगढ़। गीजगढ़ ही अपना सिकंदरा के पास में, जानता हूँ। हाँ, चमत्कार करती है माता जी, मनोकामना पूरी करती है। मानते आए तो मानते हैं, जब तो आते हैं लोग। धन्यवाद। देखो ऐसा कुछ नजारा है माता जी के मंदिर के। यहाँ हरे भरे पहाड़ हैं और सामने वो देख रहे हो किला है, और नीचे से आप देखेंगे तो वो आपको सामने माता जी का मंदिर नजर आएगा। वो मंदिर है माता जी का। तो नीचे से करीबन 400 से 500 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। बहुत ही भव्य मंदिर है और माता जी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है।
जय माता दी। ऊपर से ऐसा कुछ नजारा दिखता है भाई। दोस्तों, एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव नृत्य किया था। उस समय सती का शरीर छिन्न भिन्न होकर उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे, जो शक्तिपीठ बने। जोबनेर पर्वत पर उसका जानू भाग घुटना गिरा, जिसे उनका प्रतीक मानकर ज्वाला माता या जालपा देवी के नाम से पूजा जाने लगा। दोस्तों, यह धाम जयपुर से लगभग 45 किलोमीटर पश्चिम में ढूंढाड़ अंचल के प्राचीन कस्बे जोबनेर में स्थित है। रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पांव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पांव के छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। क्या नाम है तेरा पहले ये बता। क्या नाम है, कहाँ रहती? यही जोबनेर। फिर पांच दिन किसी ने बताया कि माता जी बहुत चमत्कारी है, मनोकामना पूरी करती है। बहुत दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे भारत से आते हैं लोग। लोग आते रहते हैं हमसे 24 घंटे। रात को भी खुला रहता है मंदिर? नहीं, रात को तो 8 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, रात को 8 बजे। सुबह 5 बजे खुलता है। और मेला कब लगता है यहाँ पे? मेला नौरता में लगता है, एक चैत का में। अच्छा, और एक वो दूसरा लगता है आसोस का। मेले में काफी भीड़ होती है, लाखों में आते हैं। माते नहीं जाते, नहीं माते यहाँ पर टेढ़ हुआ, नीचे से लेकर वहाँ ऊपर तक लाइन लगती है। अच्छा, नंबर नहीं आता, जाने का ये रहता, फिर आने का ये रहता। अच्छा, वो रास्ता रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ तो भीड़ इतनी हो जाती होगी कि 5-5 घंटा तक नंबर नहीं आता, दर्शन वहाँ तक लाइन होती होगी रास्ते में। हाँ, सुबह शाम हो जाता है दर्शन करने में। कोई जयकारा बोलता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। वो तो मजा आती है माता जी के, उसमें भजन भी गा रहे हैं सब, भजन और जयकारे भी लगा रहे हैं, जयकारे लगाते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, उसका मजा अलग है। इधर क्या है, किला सा क्या है? वो शिवलिंग है, वहाँ पर भी अच्छा है।
तो किले में क्या जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, रास्ता है वहाँ से। है रास्ता? हाँ ये सही है रास्ता। अच्छा तो इसका रास्ता किधर से? उधर से, वो नीचे से ही आगे से। तो वापस पहले नीचे जाओ फिर वापस ऊपर जाओ। नीचे जाकर टेंट नीचे जाकर फिर आगे चल ली आएगी। तो अभी ये सरकार के अंडर में आ गया किला या किसी प्राइवेट? आदमी प्राइवेट ही है। तो प्राइवेट ही गवर्नमेंट का अंडर में। अच्छा अच्छा, आपको शुभ नाम बताया? बसंत सिंह। बसंत सिंह जी, हाँ मैं भूल गया था। तो बसंत जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत मिलेंगे दोबारा, है ना? फिर मिलेंगे। जय माता दी। 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 तो दोस्तों जोबनेर माता मंदिर जाने के लिए हम जयपुर से सबसे पहले NH 48 पे जाएंगे, जो जयपुर से अजमेर हाईवे है। तो सबसे पहले हम जयपुर से भांकरोटा जाएंगे, और भांकरोटा से हम जाएंगे महला, और महला से हम राइट टर्न लेकर आसलपुर जोबनेर रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। और रेलवे स्टेशन से करीबन 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर माता मंदिर स्थित है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक यू।